नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक ग्रह बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 31 मार्च 2023 की दोपहर में 2:53 पर बुधदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 75 दिनों तक यानी 7 जून 2023 तक बुध मेष राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बुध के इस राशि परिवर्तन से तीन प्रकार के योगों का निर्माण होने वाला है। सबसे पहले बुध राहु की युति होने से जड़त्व दोष का निर्माण होगा। 6 अप्रैल से बुध और शुक्र के मिलन से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने वाला है और 14 अप्रैल से सूर्य बुध के मिलन से बुधादित्य योग का भी निर्माण होने वाला है। इन सभी योगों का और दोषों का कैसा असर आपके जीवन में दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध को एक संवेदनशील ग्रह माना जाता है और एक शुभ ग्रह माना जाता है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, मीडिया, इन सब विषयों का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी क्षेत्रों पर बुध का आधिपत्य होता है। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं। बुध आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन तीन नक्षत्रों के स्वामी भी माने जाते हैं। बुध की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल हो, मजबूत हो, तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। बुध मजबूत हो तो जातक अधिक उम्र का होने के बावजूद भी कम उम्र का दिखाई देता है। ऐसा जातक हाजिर जवाबी होता है, यानी कुशल वक्ता होता है। बुध के बलि होने पर कुशाग्र बुद्धि और गणनाओं में जातक की रुचि काफी तीव्र होती है, जिसकी वजह से व्यापारिक सफलता ऐसे जातक को पर्याप्त देखने के लिए मिलती है। बुध के पीड़ित होने पर, बुध के खराब होने पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। बुध पीड़ित हो जाए तो मिर्गी की प्रॉब्लम, नपुंसकता की बीमारी, मानसिक रूप से पागलपन, सफेद दाग की प्रॉब्लम, बोलने में समस्या शरीर में निर्मित हो जाती है। वहीं बुध के खराब होने पर आर्थिक संकटों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि के जातकों, ये जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। बुध देव का यह परिवर्तन आपके राशि के लगन भाव में होने वाला है और बुध आपके पराक्रम भाव और रोग भाव के अधिपति होते हैं। राशि के प्रथम भाव से व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, चरित्र के बारे में, शरीर के बारे में विचार करते हैं। बुध का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले 6 अप्रैल तक की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बुध का यह परिवर्तन मिला जुला प्रभाव देगा। उसके पश्चात आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, बुध का यह परिवर्तन आपके व्यक्तित्व और वाणी में गजब का निखार देने वाला है, जिसकी वजह से व्यापारिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ ऐसे जातक जो कर्म क्षेत्र के मामले में वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे यदि आप टीचर हैं, लेखक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वक्ता हैं, या इस समयावधि में वकालत से जुड़े हुआ काम करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है।
बुध के इस राशि परिवर्तन से आपका मनोबल और आपका उत्साह काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। शारीरिक रूप से यदि किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या बनी हुई थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। 6 मार्च के पश्चात, 6 अप्रैल के पश्चात कानूनी मामलों में विजय की प्रबल संभावना आपके जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ मेष राशि के ऐसे जातक जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थान में आपको बेहतर उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ बुध आपके राशि के लगन भाव पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के वैवाहिक भाव को देख रहे हैं। यदि आप कोई पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं या पार्टनरशिप से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बुध के इस राशि परिवर्तन से आमदनी में आपको इजाफा देखने के लिए भी मिलने वाला है और फिजूल खर्ची आपके जीवन से कम देखने के लिए भी मिलने वाली है। अब इस परिवर्तन से दो विशेष सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि के जातकों को किसी प्रकार का शॉर्टकट इस समयावधि में अपनाने से जीवन में बचना चाहिए। दूसरी सावधानी, बेवजह का नोक झोंक और क्रोध पूर्वक स्थिति को निर्मित करने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह प्रभाव आपके जीवन में काफी ज्यादा शुभता दे सकता है। बुध के बारे में यदि आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, प्रत्येक बुधवार के दिन बुध से जुड़े हुए मंत्रों का जप करना और हरी चीजों का दान करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। जैसे हरी मूंग, हरे वस्त्र, हरी सब्जियों का दान करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इससे बुध के अशुभ फलों से आपको मुक्ति देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि के जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।